हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कई लोगों ने कमेंट किया था कि सर स्टील स्ट्रक्चर के कुछ क्वेश्चन बनाइए और स्टील स्ट्रक्चर में इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, और साथ ही साथ आपके एसएससी जेई में अभी जो एग्ज़ाम आने वाला आपका, मुझे लगता है कि एक या 2 महीने के अंदर हो जाएगी एक जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम में किस किस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैंने सारे क्वेश्चन को एक सेट बनाया, और सेट बना के मैंने देखा कि चलो यार, इतने क्वेश्चन हम आप लोगों तक तो पहुंचाते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने देखे जो इंपॉर्टेंट थे, केवल मैंने उनको पिक किया है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन स्टील स्ट्रक्चर। ठीक है, एक्चुअली इसमें मैंने 30 क्वेश्चन कवर किया है, अभी और भी क्वेश्चन है, मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट पार्ट में सब लेके आऊँगा एक एक करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको ये कैसा लगे वीडियो मुझे बताइएगा, और अगर आपको चाहते हैं कि पूरा एसएससी जेई का सिलेबस कवर किया जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और साथ ही साथ दोस्तों को शेयर करिएगा यार, तब मुझे मोटिवेशन मिलेगा और डेफिनेटली तब मैं बनाऊंगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन। द स्टील स्ट्रक्चर लार्ज इन टू डायमेंशन, ओके, टू डायमेंशन मीन्स एक्स वाई, एंड स्मॉल इन थर्ड डायमेंशन, ओके, इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको। देखिए, एक लंबा भी है चौड़ा भी है, बट थिकनेस थोड़ा सा है, तो क्या हो जाएगा वो, तो उसको क्या बोलेंगे, दिमाग लगाइए। सरफेस, सरफेस जो होता है, देखो सरफेस की थिकनेस कितनी, ऐसे छोटा सा होता है ना, और ये कितना ज्यादा होता है, ऐसा होता ना ये, ठीक है, मतलब उसका एक सरफेस बहुत बड़ा है, दूसरा भी सरफेस बहुत बड़ा है, बट तीसरा जो उसको थिकनेस है वो कम होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सरफेस स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं, सरफेस स्ट्रक्चर। तो इसका आंसर होगा सरफेस स्ट्रक्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्यूमिनियम इज बीइंग इंक्रीजिबल यूज फॉर स्ट्रक्चरल पर्पज बिकॉज, एल्यूमिनियम क्यों यूज करते हैं, चलिए देखते हैं। इट्स कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज हाफ दैट स्टील, गलत। द स्ट्रेंथ टू यूनिट वेट रेशियो ऑफ एल्यूमिनियम इज हाई, यस करेक्ट, एंड इट मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज डबल दैट ऑफ स्टील, गलत। इट रिक्वायर्स लेस मेंटेनेंस, आपको सबको पता है, तो ये दोनों आपके आंसर सही होंगे, कौन कौन से, टू एंड फोर, क्यों, क्योंकि इसका यूनिट वेट रेशियो एल्यूमिनियम इस हाइस, एल्यूमिनियम का ज्यादा है, ठीक है, और इसका जो मेंटेनेंस, आपको भी पता है कि एल्यूमिनियम बहुत कम मेंटेनेंस मांगता है, ओके, तो टू एंड फोर इसका ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ स्टील स्ट्रक्चर इज दैट, क्या मेन एडवांटेज भाई, हैज हाई स्ट्रेंथ, ऑफकोर्स होता है सबको पता हैज लॉन्ग सर्विस लाइफ, ऑफकोर्स सबको पता है, इन गैस एंड वाटर टाइट, बिल्कुल, इसका मतलब ऑल ऑफ द दिस इसका आंसर होगा, क्या होगा, ऑल ऑफ दिस, क्यों, क्योंकि स्ट्रेंथ भी अच्छा होता है, सर्विस भी अच्छी उसके अच्छी देता है, और उसके बाद इन गैस एंड वाटर में भी काफी अच्छा ही चलता है, ठीक है, तो क्या होगा ये, ऑल ऑफ दिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द ए स्पेस स्ट्रक्चर इज ऑल्सो, ए स्पेस स्ट्रक्चर इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं स्पेस स्ट्रक्चर को, ठीक है, स्पेस स्ट्रक्चर ध्यान से सोचिए, ठीक है, वन डायमेंशनल, बिल्कुल भी नहीं, वन डायमेंशनल तो स्ट्रक्चर फिर आप समझ सकते हैं कैसे होगा, टू स्पेस में है तो क्या होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा ना, तो क्या हो जाएगा ये, थ्री डायमेंशनल, क्या होगा ये, थ्री डायमेंशनल, क्या होगा, स्पेस में थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइव नंबर क्वेश्चन इज द टाइप ऑफ रोल्ड स्टील सेक्शन मेनली यूज एज ए स्ट्रक्चरल मेंबर इज, किसके लिए रोल स्टील यूज करते हैं, टी के लिए करते हैं, बिल्कुल करते हैं, आई के लिए करते हैं, हाँ आई के लिए भी रोल स्टील सेक्शन यूज करते हैं, और स्टील चैनल के लिए करते हैं, हाँ जी करते हैं, तो ये भी क्या हो गया, ऑल ऑफ दिस, क्या हो गया ये, ऑल ऑफ दिस, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इस सब में चैनल सेक्शन रोल सेक्शन यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिक्स नंबर क्वेश्चन। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड कौन सा है स्टील का, IS 800, आगे भी याद रखो 2007,
कभी कभी इसमें कंफ्यूजन कर देगा, आई एस 800 2002, आई एस 800 2005, आई एस 800 2007, तो आप कंफ्यूज जाओगे। तो ये भैया एज पर इंडियन स्टैंडर्ड रोल्ड स्टील आई सेक्शन आर क्लासिफाइड इन टू, बहुत आसान है, आई सेक्शन जो होता है आपने देखा होगा आई सेक्शन, तो आई सेक्शन कितने पार्ट में डिवाइड है, ठीक है, तो वो होगा होगा कितने कितने कितने, फोर नहीं फाइव सीरीज, कितने सीरीज में होगा वो, फाइव सीरीज में होगा, ठीक है। आप भी गेस करते रहो कि आप क्या लगाते हो और रियल आंसर क्या होता है, ठीक है, तो फाइव सीरीज में वो बटा होता है, ठीक है। नेक्स्ट द रोल स्टील बीम्स आर मेनली यूज, ठीक है, रोल स्टील बीम्स आर मेनली यूज, कहां पे रोल स्टील बीम्स यूज, कहां पे यूज करते हैं, सात नंबर क्वेश्चन है ये, इन द बिल्ड अप सेक्शंस ऑफ कॉलम, यस, टू रेजिस्ट बेंडिंग, यस बेंडिंग को भी रेजिस्ट करता है रोल स्टील सेक्शन, टू रेजिस्ट एक्सियल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स, यस, इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। जंक्शन, जंक्शन मतलब जहां पे सब मिलते हैं, ऐसे ये पॉइंट उतना, रेलवे स्टेशन या रेलवे जंक्शन, जंक्शन मतलब जहां से हर तरफ गड़िया जाती है, ठीक है। जंक्शन बिटवीन द फ्लैंज एंड बेब इज नोन एज, ठीक है, फ्लेम और बीम के बीच में क्या जंक्शन होता है, ये देखो ये क्या होता है, फ्लेंज होता है, ये क्या होता है, फ्लेंज होता है, और ये क्या होता है, बेब होता है, तो इनके बीच का ये जो जंक्शन है यहाँ पे क्या कहलाता है और ये क्या कहलाता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप लगा रहे हो, अगर आपकी तैयारी हुई है तो आपको पता होगा फिलेट ज्वाइंट क्या होता है, ये फिलेट ज्वाइंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नाइन नंबर क्वेश्चन, ए चैनल सेक्शन कंसिस्ट ऑफ, ए चैनल सेक्शन कंसिस्ट ऑफ क्या, टू वेव्स, पता नहीं, बताओ आप लोग दिमाग लगाओ, टू वेव्स टू फ्लैंज, नहीं, वन वेव टू फ्लैंज इज राइट आंसर, वन वेव टू फ्लैंज, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आई सेक्शन का दिखाया था आपको, टू फ्लैंज वन वेव ना, तो इसका क्या होगा, वन वेव टू फ्लैंज, वेव इसको बोलते हैं, फ्लैंज इसको बोलते हैं, ठीक है, वन वेव टू फ्लैंज याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैं जल्दी जल्दी कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपका टाइम भी नहीं खराब हो और को जल्दी जल्दी से रिवाइज भी हो जाए अगर चीज़ें आपको नहीं आती तो, और अगर आपको लगता है कि इसका थ्योरी भी चाहिए आपको कि सर इसका थ्योरी भी दीजिए इसको, मतलब डायरेक्ट मुझे नहीं क्लिक हो रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो बताइएगा, मैं इसका थ्योरी भी आपको डेफिनेटली बताऊंगा यार, बस आप इसको जितना शेयर करोगे समझो मैं उतना ज़्यादा आप तक पहुँचा दूंगा, क्योंकि स्टील स्ट्रक्चर और कंक्रीट स्ट्रक्चर और RCC में और SOM में आप कहीं से भी पूछोगे मैं आपको जरूर आंसर कर पाऊंगा। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट इज रोल स्टील टी सेक्शंस आर यूज, ठीक है, रोल स्टील टी सेक्शन कहां पे यूज कर सकते हैं, टी सेक्शन टू ट्रांसमिट ब्रैकेट लोड्स ऑफ द कॉलम टू द कॉलम्स, नो नो, टू ट्रांसमिट ब्रैकेट लोड्स टू द कॉलम्स, यस, लोड करते हैं ना कॉलम को, ट्रांसफर करता है ना, विथ फ्लैट स्ट्रिप्स टू कनेक्टेड प्लेट्स इन द स्टील रेक्टेंगुलर टैंक, यस, और ये तो होगा नहीं, नॉन लिखा है, मतलब जब ये दोनों के लिए हो रहा है मतलब आंसर कौन सा होगा, बोथ वन एंड टू, बोथ वन एंड टू, चलिए देखते हैं, यस, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रोल स्टील एंगल सेक्शंस आर क्लासिफाइड एज इंडियन स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल एंड इक्वलिगल, यस, ये तो सबको पता होगा, तो इसका क्या है, एस। 12 नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं, रोल्ड स्टील इक्वल एंड अनइक्वल सेक्शन आर डिजाइंड एज ISA फॉलोड बाय, किसके द्वारा, चलिए देखते हैं, विड्थ ऑफ फ्लेंज एंड डेप्थ ऑफ वेव, नहीं, डेप्थ ऑफ सेक्शन एंड वेट ऑफ वेट पर मीटर लेंथ, नहीं, लेंथ एंड थिकनेस ऑफ लेग्स, ये डिपेंड करता है उसका लेंथ कितना है तो उसके अकॉर्डिंग उसमें लेग का थिकनेस कितना देना पड़ेगा, तो 3 नंबर इज राइट आंसर। चलिए देखते हैं आगे, नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, द डेड लोड इंक्लूड्स, अब आपको पता होना चाहिए डेड लोड जो है इसका आई स्कोर कौन सा होता है, 875 पार्ट 1,
875 पार्ट 1 इंक्लूड्स सेल वेट ऑफ द स्ट्रक्चर, किसको नहीं पता होगा, हर एक सिविल इंजीनियर को पता होगा, करेक्ट है ना। तो इसका क्या होगा, सेल वेट ऑफ द स्ट्रक्चर। कोई बोलता है वेट ऑफ स्टेशनरी इक्विपमेंट, बिल्कुल गलत। सुपर इम्पोज लोड, अरे नहीं भैया, वेट ऑफ फर्नीचर है, लाइव लोड है ये। तो क्या हो जाएगा, ये सेल वेट ऑफ द स्ट्रक्चर, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डेड लोड। इसी से एक और क्वेश्चन बन गया, देखो डेड लोड से बड़े क्वेश्चन बनने हैं, ठीक है। तो डेड लोड चेंज देयर पोजीशन, नहीं भाई, बीम कॉलम स्लैब का भी पोजीशन कैसे चेंज, वो जहां है वहीं रहेगा ना। डू नॉट चेंज देयर पोजीशन, हाँ अभी सही बोलो। डू नॉट वेरी द वेरी मैग्नीट्यूड, यस नहीं वेरी कर सकता, जो यहाँ पे है वहीं पे फिक्स रहेगा। वेरी इन मैग्नीट्यूड, नहीं भाई नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, टू एंड थ्री। तो कृपया याद रखिए कि दो एंड तीन नंबर क्वेश्चन आंसर दोनों सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन आपका जो है, इसमें लाइव लोड के बारे में बात किया गया है। अब देखिए डेड और लाइव से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चेंज देयर पोजीशन, हाँ बिल्कुल कर सकते हो। लाइव लोड कौन होता है, हम लोग ह्यूमन, मूविंग लोड इज कॉल्ड लाइव लोड। और जब मूविंग लोड है तो हम कहीं भी जा सकते हैं, पोजीशन हमारी चेंज हो सकती है। डू नॉट चेंज देयर पोजीशन, नहीं भाई गलत है। डू नॉट वेरी इन मैग्नीट्यूड, गलत भाई। वेरी इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड चेंज भी कर सकते हैं, हम बाहर चले जाएंगे मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट एंड फोर्थ आपका राइट आंसर होगा। चलो 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। चलो देखते हैं यार कौन रॉन्ग है भाई। चलो पहला, डेड लोड आर नोन एज बीइंग ऑफ द डिजाइन, नहीं भाई इसमें लाइव लोड भी तो इंक्लूड है, ये गलत है। मतलब ये गलत है, गलत ही आपका आंसर है। तो फर्स्ट नंबर ही सीधे फर्स्ट नंबर तो सही है कि फर्स्ट नंबर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, वेट ऑफ फर्नीचर कम्स अंडर लाइव लोड, करेक्ट। लाइव लोड इज एक्सप्रेस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड स्टैटिक लोड, करेक्ट। आपका ये आंसर जो है ये सही आंसर होगा, बताओ, क्योंकि डेड लोड जो होता है केवल उससे डिजाइन नहीं की जाती है, ठीक है। तो एक नंबर क्वेश्चन आंसर आपका सही होगा। चलिए देखते हैं, यस नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, व्हेन अ लोड इज एक्सट्रैक्टेड और ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर सरफेस इन कॉन्टैक्ट, द स्ट्रेस इज नोन एज, स्ट्रेस इज नोन एज, क्या बोलेंगे उसको, डायरेक्ट स्ट्रेस, नहीं भाई, क्योंकि ट्रांसफर हो रहा है तो क्या करेगा, वेयरिंग स्ट्रेस होगा। ट्रांसफर होने पर कौन सा स्ट्रेस होता है, वेयरिंग स्ट्रेस होता है। अगर आपको नहीं पता तो थोड़ा सा थ्योरी पढ़ के आओ भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द वेयरिंग स्ट्रेस इज कैलकुलेटेड ऑन द वेयरिंग स्ट्रेस इज कैलकुलेटेड ऑन द क्रॉस सेक्शनल ऑफ द एरिया, नहीं, नेट प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द कॉन्टेक्ट, यस सीधे सीधे दिख रहा है, नेट प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट निकालते हैं, उसके अकॉर्डिंग वेयरिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपका राइट आंसर होगा। आगे भी देख लेते हैं, क्या ये भी होगा क्या, मीन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड नेट प्रोजेक्टेड एरिया कॉन्टेक्ट, नहीं, ऑल ऑफ नो, केवल सेकेंड नंबर आंसर आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द एलोएबल स्ट्रेस टू विच अ स्ट्रक्चरल मेंबर कैन बी सब्जेक्टेड इज कॉल्ड, एलोएबल स्ट्रेस विच टू विच अ स्ट्रक्चरल मेंबर कैन बी सब्जेक्टेड, ठीक है। एलोएबल स्ट्रेस पे कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो इसका जो पहला आंसर देखते हैं क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस नहीं होगा, वर्किंग स्ट्रेस यस, बियरिंग स्ट्रेस भी नहीं होगा, क्योंकि बियरिंग मतलब ट्रांसफर होना, ठीक है, यहाँ पे लेवल स्ट्रेस है, ठीक है। परमिसिबल स्ट्रेस यस ये होगा। तो आपके दो आंसर हो गए, कौन सा, टू एंड फोर करेक्ट आंसर है। चले आगे चलते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, बड़ा आसान है, इज अ मेंबर बाई विच द यील्ड स्ट्रेंथ स्ट्रेस ऑफ मटेरियल इज डिवाइडेड टू गिव द, क्या। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी है यहाँ पे, ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, और यहाँ पे क्या है, बाई विच यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल भी है, डिवाइडेड टू गिव द, क्या देता है। तो आपको पता होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी बाई यील्ड स्ट्रेंथ, तो क्या होता है यार, वर्किंग स्ट्रेस। एग्जैक्ट आंसर सीधे सीधे टिक मार सकते हो आप, वर्किंग स्ट्रेस आप याद कर डालो आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी यार आंसर पहले ही दिखा दिया आपको, सियर मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज, ठीक है, सियर मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज। तो आपको पता है मॉडुलस ऑफ
रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो आप इसको याद कर डालो यार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन, द स्ट्रेंथ एट विच स्टील फेल्स अंडर रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ लोड, स्ट्रेंथ एट विच स्टील फेल्स, फेल कर जाए अंडर रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ लोड, वहां पे लोड भी आ रहे बार बार, इज नोन एज, क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे इसको, ठीक है। तो इंपैक्ट स्ट्रेंथ नहीं, टेंसाइल नहीं, यस फैट क्यू स्ट्रेंथ। आपसे कभी कभी पूछ लेता व्हाट इज फैट क्यू, तो भाई यही है स्ट्रेंथ एट विच स्टील फेल्स अंडर रिपीटेड एप्लीकेशन, बार बार उस पर लोड आए और वो क्या हो जाए, फेल हो जाती है, यही करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ ट्रांसवर्स स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अंडर एन एक्सियल लोड इज नोन एज, क्या बोलते हैं उसको, द रेशियो ऑफ ट्रांसवर्स स्ट्रेन, ट्रांसवर्स स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है, ट्रांसवर्स बाई लॉन्गिट्यूडनल अंडर एन एक्सियल लोड, क्या बोलेंगे इसको, तो सबको पता होना चाहिए क्या बोलते हैं इसको, पॉइजन रेशियो, क्या बोलते हैं इसको, पॉइजन रेशियो, द रेशियो ऑफ ट्रांसवर्स स्ट्रेन बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अंडर एक्सियल लोड अगर रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, पॉइजन रेशियो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन, द पीस ऑफ राउंड स्टील, राउंड स्टील का पीस है फॉरगेट इन प्लेस टू कनेक्ट टू और मोर स्टील मेंबर इज नोन एज, ठीक है, राउंड स्टील का एक पीस है फॉरगेट इन प्लेस द कॉन्टेक्ट भी टू और मोर देन टू स्टील के साथ जोड़ेगा तो उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, ठीक है, बोल्ट नहीं, ठीक है। अब वहां पे क्या हो रहा है, कनेक्ट कर रहे हो पीस को, कनेक्ट कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, वो रिपीट ज्वाइंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिपीट ज्वाइंट, क्या हो जाएगा, रिपीट ज्वाइंट क्या होता है, कनेक्ट कर देता है, जैसे कि मान लीजिए आपने देखा होगा स्लैब में, स्लैब पड़ती है उसके बीच में फैन लगाने के लिए पड़ता है ना ऐसे करके मेंबर, तो दैट मेंबर दैट दैट इज कॉल्ड रिपीट, तो इसी को क्या बोलते हैं, एक पीस है ना तो इसको बोलते हैं रिपीट, रिपीट ज्वाइंट, रिपीट ज्वाइंट, ठीक है, सही बताया ना मैंने, हाँ यार, ठीक है। द साइज ऑफ रिविट इज एक्सप्रेस्ड बाय, किसके द्वारा एक्सप्रेस करते हैं, साइज ऑफ रिविट इज एक्सप्रेस्ड बाय, ठीक है, किसके द्वारा, टाइप ऑफ हेड्स नहीं, डायमीटर ऑफ संक, यस डायमीटर ऑफ संक, नेक्स्ट लेंथ ऑफ संक नहीं, ऑल ऑफ दिस नहीं, तो क्या होगा इसका आंसर, डायमीटर ऑफ द संक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस बार मैंने काफी क्वेश्चन, मैंने आपके लिए 30 क्वेश्चन निकाले, द रिविट्स विच आर ड्रिवेन एट एटमोस्फेरिक टेम्परेचर इज नोन एज, ठीक है, एटमोस्फेरिक टेम्परेचर पे क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलेंगे, एटमोस्फेरिक है तो ठंडा होगा ऑफकोर्स, तो उसको क्या बोल देंगे, कोल्ड ड्रिवेन रैबिट्स, क्या बोलेंगे उसको, कोल्ड ड्रिवेन रैबिट्स, तो याद कर लेना इसको। चलो नेक्स्ट देखते हैं, द रिविट लाइन इज ऑल्सो नोन एज, बैक लाइन नो, गैज लाइन नो, स्क्रू लाइन यस, नहीं तो स्क्रू लाइन बोलते हैं तो ये भी तो बोलते हैं, गैज लाइन भी बोलते हैं, बैक लाइन भी बोलते हैं, स्क्रू लाइन भी बोलते हैं, तो कौन हो गया आंसर, भाई साहब आंसर हो गया ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो रिविट लाइन को क्या क्या बोलते हैं, बैक लाइन, गैज लाइन, स्क्रू लाइन, या अब आप ऑल ऑफ दिस आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। बेंडिंग स्ट्रेस में डेवलप इन द केस ऑफ, बेंडिंग स्ट्रेस कब डेवलप होगा, बेंडिंग स्ट्रेस कब डेवलप होगा, जब लैप होगा, यस करेक्ट, जब लैप होगा, यहाँ देख लो डबल को, डबल कवर बट ज्वाइंट नहीं, सिंगल कवर बट ज्वाइंट पर होगा ही नहीं, ठीक है, तो कहाँ पे ये हो रहा है, लैप ज्वाइंट, कहाँ पर होगा, लैप ज्वाइंट, करेक्ट आंसर इज लैप ज्वाइंट, ओके। नाउ नेक्स्ट आंसर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, इसमें क्या है, द इफिशियंसी ऑफ रिपीटेड ज्वाइंट इज इक्वल टू, इसका इफिशियंसी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, रिपीटेड ज्वाइंट का क्या होता है, लीस्ट स्ट्रेंथ ऑफ रिपीटेड ज्वाइंट बाय स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, एग्जैक्ट यही आंसर होता है, क्योंकि लीस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द रिपीटेड ज्वाइंट बाय स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, किस प्लेट पर लगा रहे हो और कितना उसका स्ट्रेंथ है, ठीक है, तो बस फर्स्ट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, लीस्ट स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड, नो सॉलिड का लिए नहीं, और स्ट्रेंथ ये गलत है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट ग्रेट स्ट्रेंथ, नो गलत है, रिपीटेड ज्वाइंट ये भी गलत है, केवल कौन सा आंसर सही होगा, फर्स्ट नंबर, लीस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द रिपीटेड ज्वाइंट बाई स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये, तो ये क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ रिपीटेड ज्वाइंट इज इक्वल टू, द स्ट्रेंथ ऑफ रिपीटेड ज्वाइंट इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट अगेंस्ट शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रिविट्स, यस स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट अगेंस्ट बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रिविट
रिपीट सॉरी यस भी ये भी सही है। स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन टेयरिंग ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर नंबर क्या, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। तो इस तरह से हम लोगों ने सारे आंसर भी हमने आपको यहाँ पे दे रखे हैं। अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो आप इस पीपीटी के लिए सीधे मेरे यूनिक सिविल ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे, वहाँ पे मैं ये पीपीटी भी आपको भेज दे रहा हूँ। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि मुझे इसमें ढेर सारे और क्वेश्चन पढ़ना है, मतलब आप लोग को और क्वेश्चन चाहिए और किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का चाहिए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करो, क्योंकि मैक्सिमम मुझे लगता है कि नेक्स्ट मंथ में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो उसके लिए भी मैं अपडेट कोई भी अगर आया तो मैं आपको बताऊँगा। तो आप लोग तैयारी करते रहो, और किसी तैयारी किसी सब्जेक्ट में आपको स्पेशल प्रॉब्लम आ रही है, किसी स्पेशल टॉपिक में आ रहा है, तो भी मुझे कमेंट करो, तो मैं भी उसको भी कंसिडर करने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।